शासन के निर्देश पर मंगलवार को चलाए गए कोविड टीकाकरण के महाअभियान में मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 209 केंद्रों पर रिकॉर्ड 61,897 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 56,262 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 5,635 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि टीकाकरण के महाअभियान के तहत मंगलवार को 60,000 से ऊपर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 61,897 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके लिए जिला अस्पताल में 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ तथा मेडिकल एवं एम्स गोरखपुर क्लब सहित 209 केंद्रों पर 61,897 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग टीका लगवाने के लिए अनावश्यक भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में 209 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है और आज का वृहद टीकाकरण अभियान हो रहा है, जिसमें कि हमें 60,000 से के आसपास का लक्ष्य दिया गया है। टीकाकरण बहुत सुबह से ही शुरू हो गया है और हर जगह सुचारू रूप से चल रहा है और हम 60,000 के आसपास का टीकाकरण करेंगे। सर, बहुत से लोग सोशलिशन पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? सभी लोगों को हमारी अपील है कि कोरोना भी गया नहीं है, लोग कोविड के नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। प्राय देख रहे हैं कि हमारे सब सेंटरों पर वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं और बहुत सट के खड़े हो रहे हैं और थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके खड़े हो, आपके आगे कोई नहीं है, आप थोड़ी सी पीछे ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा, सट के ना खड़ा होइए और मास्क जरूर लगाइए। जहाँ भीड़ भाड़ दिखाई दे वहाँ थोड़ा सा जब भीड़ कम हो जाए तब जाकर टीकाकरण कराएँ, जिससे कि कोरोना को फैलने से रोका जा सके।